हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे हिताची ग्रुप की तरफ से। बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा आज, और अभी इन्होंने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे वैकेंसी को पब्लिश किया है, जिसके लिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आप 2023 में भी पास आउट होने वाले हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनली फॉर वैकेंसी यहाँ पर फ्रेशर के लिए निकाली गई है, तो इसके अंदर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्या रखा गया है और आपका यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रांचेज कौन कौन से देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बताऊंगा, ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। जो बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है वो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देख लेना। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा मोबाइल के थ्रू, और अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बड़े आराम से अपने मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल नहीं रहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो, और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट रहेगा 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर करना है बिना कंजूसी किए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बताना, और आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं उसके बारे में जरूर से बता देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही जॉब अपडेट दूंगा जो आप कमेंट करके बताओगे। और जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा, इसलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। तो यहां पे आपको दो टाइप की पोजीशन देखने को मिलेगी, जेईटी का जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, दूसरा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी का। तो जेईटी के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर करने वाले हैं 2023 में इसको अप्लाई कर सकते हैं। एईटी के लिए अगर आपने यहां पे बीबीटेक कर रखा है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर 2023 में कंप्लीट करने वाले हैं तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपकी ब्रांच कोई भी है, लाइक मान लेते हैं कि सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, आपकी मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, मेटलर्जी है, या फिर कोई भी ब्रांच है आपकी, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ अप्लाई का क्या प्रोसेस रहेगा, और एक लाइक कर देना। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना कैसे है और कैसे आपको जॉब सर्च करनी है, उसके बाद मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, और वहाँ पर आपको लिखना है जो सर्च बार दे रखा है उस पर लिखना है आपको हिताची, और साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दे रखा है इस पर करना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट दिखेगा, तो आपको डायरेक्टली इनके कैरियर वाले पेज पे चले जाना है, या फिर एक आप काम कर सकते हैं कि इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, उसके बाद आप इनके कैरियर वाले पेज पे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे हिताची की ऑफिशियली वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। साइड में आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कैरियर वाला, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस कैरियर वाले पेज पे ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको जॉब फाइंड कैसे करनी है, उस तरीके को पहले जान लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको जॉब का पोजिशन का, तो पोजिशन के अंदर आपको डालना है यहाँ पर ट्रेनिंग का। दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा लोकेशन का, तो यहाँ पर लोकेशन के अंदर आपको इंडिया लोकेशन डालना है। और साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड जॉब्स का, इस पे आपको कर देना है क्लिक। जब पहला ऑप्शन फिल कर दे, दूसरा फिल कर दे, उसके बाद आपको फाइंड जॉब्स वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने फोर रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो कि ट्रेनी पोजीशन के लिए देखने को आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वन बाय वन आप देख सकते हैं कि जो नीचे दो दे रखे हैं यहाँ पे पोजीशन दे रखी है वो एचआर पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। अगर आपको कोई भाई बहन है तो उनको वीडियो सजेस्ट कर देना, वो एचआर पोजीशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इंडिया की जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप बात करें यहाँ पर टेक्निकल वैकेंसी के बारे में, तो जो टॉप टू पर दे रखी है ट्रेनी पोजीशन दे रखा है, पहला दूसरा दे रखा है यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी, इसके लिए बीबीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहली पोजीशन रहेगी वो आपका रहेगा ट्रेनी का,
जिसमें आपका 1 साल तक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब रहने वाला है। ये जॉब आपका परमानेंट रहेगा लेकिन 1 साल तक आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि आप जैसे बीटेक करके निकलते हैं तो यहाँ पे आपको सीखने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो 1 साल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका सैलरी देखने को मिलता है, वो आपका सैलरी रहता है यहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहता है, और 1 साल के बाद जो आपका सैलरी रहता है वो 35,000 रुपये से लेकर लगभग 40,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहता है। उसके अंदर आपका पोजीशन यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। उससे पहले जो पोजीशन रहता है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम एसोसिएट इंजीनियर ट्रेनी भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा डिप्लोमा ट्रेनी का, उसके अंदर आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद आपका जो पोजीशन रहेगा जूनियर इंजीनियर का पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोजीशन के लिए ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है, किसी भी ब्रांच आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं ट्रेनी पोजीशन के लिए तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जॉब लोकेशन के बारे में बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। जॉब आईडी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया और जॉब डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने पोस्ट कर रखी है वो 29 मार्च 2023 का ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी जॉब का रहेगा हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जो कि हिताची ग्रुप का एक पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद आपका इंटर्नशिप जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपका ये परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सैलरी रहेगा 30,000 रुपये से लेकर लगभग 40,000 रुपये तक आपका मंथली सैलरी देखने को मिलेगा। ऑल ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल है, अगर आपने बीटेक कर रखा है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने बीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर आप एलिजिबल है, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है और किसी भी टाइप का कोई भी पोजीशन आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा किसी भी पोजीशन के लिए। अगर आप ट्रेनी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट ही एलिजिबल रहते हैं। चेन्नई तमिलनाडु का जॉब लोकेशन रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पोस्ट इन्होंने कर रखा है 29 मार्च का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। कंपनी आपके रहेगी हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। साथ ही साथ यहाँ पे एंट्री लेवल जॉब आपको देखने को मिलेगा, फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई नाउ वाला बटन है मेरे भाई, इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा साइन इन का, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा वेट करना है और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखेगा क्रिएट अकाउंट का, और अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और इसको साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अकाउंट का, आपको डायरेक्टली क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक आपको आ जाएगा कि अकाउंट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब कैसे क्रिएट करना है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड जब भी क्रिएट करेंगे तो इन सबको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देन फिर सबसे पहले तो आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं पासवर्ड को। देन फिर आता है आपको यहाँ पे डाटा प्राइवेसी को एग्री करने के बाद क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अकाउंट आपका डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनके कैरियर वाले पेज पे, और वहाँ पे जो मैंने आपको वैकेंसी बताई उसके लिए आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल सा प्रोसेस रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।